तो डार्क हीरोज के प्रीवियस एपिसोड में तुम लोग ने देखा, हम लोग को नल से बचाने के लिए सैमुअल ने एक पोर्टल खोला। एंड जैसे ही हम लोग उस पोर्टल में गए, वैसे ही हम एक सुनसान से समुद्र में पहुंच गए। लेकिन वहां पर हम लोग को मिला एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेसमेंट। तो हम लोग ने सोचा कि जब तक सैमुअल रिकवर होता है, तब तक हम लोग वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में सर्वाइव करते हैं। एंड मेन चीज, हम लोग को एक खतरनाक वाली सॉर्ड भी मिली, जिससे हम लोग अगर किसको मारेंगे तो फिर उसके हार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये थोड़ी देर बाद सैमुअल की एनर्जी वापस आ गई, फिर हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस आए। एंड देन नल वापस आ गया, वो भी कुछ खतरनाक शक्तियों के साथ। लेकिन सैमुअल ने उसे एकदम अच्छा जवाब दिया और उसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया। फिर मैं बाद में हीरोइन के बेसमेंट में गया ताकि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड बिल्कुल वैसे ही हुआ, हमें कैनी के बारे में मालूम पड़ा, जो कि नल से भी पावरफुल था। एंड जैसे ही हम लोग उस बेसमेंट से बाहर निकले, हमने देखा कि कैनी सैमुअल के साथ लड़ रहा है। कैनी के उस अटैक से सैमुअल एकदम घायल हो चुका था एंड उसमें एक भी एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए हम लोग सैमुअल को उसके बेसमेंट में लेके गए, जो कि थोड़ा सा अपग्रेड हुआ हुआ था। फिर हमने सैमुअल को यहाँ पे बिठा दिया एंड फिर हम लोग ने सैमुअल को थोड़ा रेस्ट करने दिया। सो ये हुआ है उसके बाद। यार बहुत बुरा लग रहा है यार सैमुअल की ऐसी हालत देख के। हाँ यार, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। चाहे ने कितनी हेल्प की थी, बट कैनी तो इससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। सैमुअल, हम लोग को कुछ तो बताना है आपको। हमको ये बताना था कि जो कैनी है ना, वो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, नल के साथ, एंड वो नल से भी ज्यादा पावरफुल है। आप कुछ कर नहीं सकते जिससे कि हम कैनी को खत्म कर पाए? हाँ यार, कुछ तो करो ना। मुझे कैनी के बारे में बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। अभी आएगा उनको तो ऐसा रेस्ट करने देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो बहुत थक चुके होंगे। यार सोच, कैनी इतना पावरफुल है कि वो सैमुअल को भी टक्कर दे रहा है एंड सैमुअल भी कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे बचेंगे ये मुझसे? सैमुअल भी मर गया, आई मीन घायल हो गया। हाँ यार, शुभ शुभ बोल, मरा नहीं है। तो फिर अभी हम लोग को है ना कुछ प्लानिंग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैनी नल से भी ज्यादा पावरफुल है एंड अब तक तो हम लोग नल को भी नहीं हरा पा रहे अकेले। तो चल, कुछ तो हम लोग को प्लान सोचना ही पड़ेगा। अरे वो छोड़, पीछे देख तेरे। क्या है मेरे पीछे? अबे व्हाट बॉय, नल शिट, तू जाना पड़ेगा, जा जल्दी। चल मैं जा रहा हूँ सीक्रेट टनल में, पता मत लगने देना कि हम यहाँ पे छुपे। ओ शिट, अब आई गेस मेरे को इससे लड़ना ही पड़ेगा। कब तक मैं छुप कर भागने वाला हूँ? अच्छा बेटा, एक्स दिखा रहा है मेरे को, तो फिर चल अब तो मुकाबला हो ही जाए। ओके लेट्स गो, आ जा। ओ नो, मेरे को कुछ तो हो रहा है। नहीं यार, ये क्या हो रहा है यार? पता नहीं सॉर्ड में क्या है, कुछ तो हो रहा है मेरे को। और देखो इस सॉर्ड का कमाल, मेरा हार्ट्स बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहे। नो 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 नो, यार ये क्या इफेक्ट है यार, कैसे हटाऊ? तेरी तो ये ले भाई, ये तो मर भी नहीं रहा है। अबे कहाँ गायब हो गया? ओए शिट भाई, गायब हो गया ये। फिर मर तो नहीं गया? नहीं नहीं, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो यहाँ पे मैसेज तो आते ही। ओए जंगी, क्या हुआ? ऊपर ऊपर आ। क्या मार दिया तूने उसको? नहीं यार, वो भाग गया। अरे यार चल कोई बात नहीं, हम लोग सेफ है। रुक रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, सैमुअल को ये बात बतानी पड़ेगी। ओके चलो सैमुअल। हाँ बोलो, क्या हुआ? अभी यहाँ पे नल आया था और पता नहीं ये सॉर्ड में क्या है, मैं जैसे उसे मारता हूँ ना, मुझे कुछ तो ऐसा अलग इफेक्ट आने लगता है। लेकिन अभी लड़ते लड़ते वो डायरेक्टली गायब हो गया, पता नहीं कैसे। तो ये तो असंभव है, उसे हमारी लोकेशन का पता कैसे चला? हाँ यार, ये तो हम लोग ने नहीं सोचा। हाँ यार, उसको हमारे लोकेशन का पता कैसे चल रहा है? तूने देखा होगा, जहाँ पर भी जाते है ना वहाँ पर ही आ जाता है, पता नहीं कैसे। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच एक ट्रैकर लगाओ। हाँ हो सकता है। वैसा तो कह नहीं सकते कि किसके बीच में ट्रैकर है। मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे वो हमें कभी नहीं ढूंढ सकता, लेकिन अगर उसने ढूंढ लिया तो मतलब हमारे बीच में एक ट्रैकर लगा हुआ है। आइडिया अच्छा है, चल चलते। बट वहाँ पे हम लोग जाएंगे कैसे? ये जो तुम स्पेल देख रहे हो वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है, और ये इमरजेंसी के लिए लगाया हुआ है। दोनों जल्दी से बीच में आ जाओ। ओके चल 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 चलो चले। आ गए कड़ा। तो ये है मेरी खुफिया जगह, जो कि उस जगह से काफी दूर है। तो यहाँ पर नल कभी नहीं आ पाएगा? शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर किसी के अंदर भी ट्रैकर लगा होगा तो फिर वो आ जाएगा। ओ ये देखते हैं अभी वो आता है कि नहीं। और भाई काफी अच्छा बेस है। ठीक है, चेस्ट है एंड इस चेस्ट में अपने पास ओके बहुत सारा गन है, तो एक काम करते थोड़ा बहुत ले लेते हैं। यस, मैंने ले लिया चिकन। तो शायद वो अभी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे ये पूछना था कि ये सॉर्ड में से क्या चीज है कि जैसे ही मैं उसे मारता हूँ ना कि मेरे हार्ट बदल जाते हैं एंड कुछ तो अजीब तरह का होता है। सॉर्ड दिखाओ। ओके लो। ये वाले सॉर्ड से तुम किसी भी अपोनेंट का हार्ट ले सकते हो एंड साथ ही साथ उसकी शक्तियाँ भी। शक्तियाँ भी मतलब? अगर तुम नल को मारते हो तो उसके थोड़े हार्ट तुम्हारे पास आ जाएंगे और थोड़ी सी शक्ति भी तुम्हारी अंदर आ जाएगी। ओ तो जो वो इफेक्ट आ रहा था ना वो एक्चुअली नल की शक्ति हो सकती है। हाँ, तुम्हारे अंदर नल की पावर भी आ सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे वही लग रहा है।
क्योंकि एकदम काले काले आर्ट्स हो जाते हैं एंड पूरा स्क्रीन एकदम अजीब सा हो जाता है। तो ये छोड़ो अभी उसको। एंड अभी हम लोग को ये सोचना है कि ये ट्रैकर हो का सकता है, क्योंकि अभी हम लोग तो एकदम खाली आता है एंड इन्वेंटरी में भी कुछ नहीं है। ओए चंकी, तू अपने इन्वेंटरी में चेक कर फटाफट। इन्वेंटरी में तो नहीं है, ऑफकोर्स। देख लो फिर से, आप भी देख लो। मेरे पास भी नहीं है। ओके, इसका मतलब नल अभी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तुम अभी यहाँ पे सेफ रहो और मैं जाके आराम करता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी अब तक रिस्टोर नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, चलो आराम करो। तो चल अब थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये सैमुएल की दूसरी जगह। यहाँ और वो क्या भाई, आगे पूरा का पूरा बोट है यहाँ पे, कड़क वाला बोट है और इतने सारे लोग। विलेजर की क्या है ये? लॉल, देखते कुछ देर है क्या? नहीं, ये तो एकदम सही जगह है। आई लाइक इट। चलो इस बोट में जाके देखते हैं, मजा आएगा। यस, लेट्स गो। हेलो बोट के लोग, पायरेट्स कहाँ पे? मेरा जैक स्पैरो कहाँ पे? हाँ, और अभी रात भी हो रही है इसलिए अभी हम लोग मस्त में सोने वाले। एकदम मजा ही आ गया, मजा आ गया। वहाँ पे कोई तो है, सैमुएल है क्या? कौन? अबे नल कैसे आ गया? शिट, ओ भाई, व्हाट? भाग भाग भाग, सैमुएल के पास जा जल्दी। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, वो आराम कर रहे हैं अब तक। तू एक काम कर, मैं सैमुएल को देखता हूँ, तू लड़ इससे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इस सॉर्ड का मैं अभी पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। ओके आ गया ये, लेट्स गो बेटा, ये ले। और ये देखो मेरे को कुछ तो हो रहा है, तो आएगी जिससे मैं इसकी कुछ तो पावर्स यूज कर पाऊंगा शायद। ओ नो वेट, ये उड़ पा रहा है ना? क्या मैं उड़ सकता हूँ? ओ भाई साहब, लेट्स गो, अब होगा ना असली मुकाबला। भाई मजा आ रहा है उड़ के, कहाँ भाग के जा रहे हैं? हाँ यस यस, यू ना बात, इस बार तू नहीं जीत सकता नल, एंड देखो अभी खत्म करके रहेगा। अरे भाई फिर से गायब हो गया। नहीं अबे यार, गायब क्यों हो रहा है ये? आएगा सी हमसे नहीं लड़ पा रहा है इसलिए ये जा रहा है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत लो हेल्थ में एंड वो डर के हमसे भाग रहा है। भाई तू कहाँ पे? अरे क्या हुआ फिर से? सैमुएल है ना बरोबर? हाँ हाँ। ओके, उनको मैंने बताया कि नल वापस आ गए, वो चौंक गए। अरे हाँ वही तो, उसको कैसे मालूम पड़ा? ट्रैकर लगा है, मतलब 100% ट्रैकर है। चल चल सैमुएल के पास चल, ये रहे। ओके, ये तो असंभव है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता था, इसका मतलब यहाँ पे हमारे ऊपर ट्रैकर लगा हुआ है। यार किसमें हो सकता है ये, तो अब सोचना पड़ेगा। मेरे को याद आया, याद है जंकी, तू किडनैप हुआ था। हाँ। तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब तू किडनैप था उन लोगों ने कुछ तेरे शरीर के साथ किया हो? हो सकता है, पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। क्या इन लोगों ने तेको बेहोश किया था? हाँ, एक समय तो आया था जब मेरा गेम क्रैश हो गया था पूरा। ओ, इसका मतलब उन लोगों ने तेरे अंदर ट्रैकर डाला है। मैं क्या करूँ? चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या बात कर रहे हो, कैसी? आ जाओ मेरे पीछे आओ। ओके ओके, आ रहे आ रहे। ओ भाई ये कौन सी जगह है? मेरे साथ क्या करने वाले हो? मेरे पीछे पीछे आओ, ये रहा। ओ भाई ये क्या है, कुछ स्पेल वेल है? जंकी तुम ऊपर आओ जल्दी। ओके मैं आ गया, जल्दी बता क्या करना है मेरे को। देखो कोई भी बंदा तुम्हारे शरीर में ट्रैकर डाल सकता है और उसको निकालने का एक ही रास्ता होता है, जो कि उस बंदे को खत्म कर देना। ये मैं मरने नहीं वाला हूँ, हार्डकोर है ये, मत निकालो। अरे रुक 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 यार, कुछ तो उपाय होगा ना? हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें खड़े रहना है, अभी हम तुमको मार सकते हैं और तुम रिस्पॉन हो जाओगे, वो भी हार्डकोर में। वो क्या बात कर रहा, मतलब ये कोई कड़क चीज है? बट वेट, अगर क्या हो अगर ये फेल कर गया? नहीं, ये हमेशा वर्क करता है। ओके ठीक है, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? इसे मारना पड़ेगा। हाँ इसे मारो। ओके किससे मारूं? नहीं प्रो बॉयज, मेरे को मत मारो, चुपचाप मर जाए, रिस्पॉन हो जाएगा। ओके लेट्स गो। नो रुक जा, इसके ऊपर ही खड़े रहे भाई, निकलना मत यहाँ से वरना। ओके ओ ये क्या हो रहा है? वेट ये क्या मिला मेरे को? ट्रैकर डिवाइस, यस ये वर्क कर गया। ओके अब तुम मेरे साथ आओ नीचे। ओके हेलो जंकी, जिंदा है ना तू? हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे हूँ लेकिन जिंदा हूँ। ये दरवाजे के अंदर है जंकी। क्या बात कर रहे हो, अरे वाह, यस क्या बात है, ये तो एकदम अच्छी तरह से वर्क कर गया। और ये देखो ये रहते हैं ट्रैकर डिवाइस दोस्त, ये देख पता नहीं कैसे तेरे अंदर डाला था ये, बट बहुत छोटा है। पर संभाल के, ये ट्रैकर डिवाइस बहुत खतरनाक है। यू भाई कैसे? इसको गलती से भी किसी के शरीर में मत फेंकना, चिकन जाएगा। ओके समझा मैं। सुनो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम ये ट्रैकर डिवाइस नल के ऊपर डालेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यार कड़क कड़क दिमाग है, कड़क। ये अगर हम लोग कर लेंगे ना तो फिर हम लोग नल को पूरा ट्रैक कर सकते हैं। शिट। हाँ, और उसके हम बेस में जाके मार भी सकते हैं। भाई एकदम खतरनाक प्लान है। कैसे तो करना है ये, पर कैसे करेंगे ये? तुम लोग बस यहाँ पे रुको, नल वापस जरूर आएगा। तो बस मुझे क्या करना है, वो जैसी आएगा और फाइट के दौरान मुझे ये चीज उसके ऊपर फेंकनी है। यस यार मजा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर अभी आएगा तो हम लोग को सो जाना चाहिए ना।
हाँ ठीक है सो जाओ। चलो गुड नाइट। तो गाइस अभी हम लोग ये प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और अगर ये वर्क कर गया ना तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट जीत जाएंगे ये बैटल। तो यार तुम लोग लाइक कर दो अभी के अभी, अगर थोड़ा भी मजा आ रहा है तो। देखो ये बंदा भी बोल रहा है कि लाइक करो, बट कोई करता ही नहीं है। तो फिर वो बोट कहाँ पर है? ओके ये रहा ये रहा। और देखा तुम लोग ने कैसे मुझे उसकी पावर्स थोड़ी सी मिल गई थी, लाइक फ्लाई करने वाली एबिलिटी, सच में बहुत ऑसम था। तो चलो अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं एंड देखते हैं वो आता है कि नहीं वापस। वैसे तो 100% आना ही चाहिए वो, लेकिन वेट क्योंकि अभी हम लोग ने उसका ट्रैकर निकाल दिया है तो फिर वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसको आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग रुकेंगे, आने दे उसको। ओके आ गया भी टनल। यस एंड आई गेस ये ना सिर्फ रात को आ रहा है। चल बेटा आ जा लड़ने के लिए तैयार। एक काम कर तू है ना इस बोट के अंदर कहीं तो छुप जा, जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके। अभी कहाँ पे गया? शिट सरप्राइज अटैक करेगा क्या? हम कहाँ पे यार? ओए ओरा 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 चल। ओके ये इफेक्ट फिर से आ रहे मेरे में, इसका मतलब मैं उड़ सकता हूँ। यस आ जा बेटा, अभी डाल दो तेरे अंदर ट्रैकर, लेकिन पहले तो हम लोग इससे थोड़ा सा फाइट करेंगे। नीचे नीचे ये ले। चलो ये ट्रैकर मैं इसके अंदर कैसे डालू? उसको भगा दो पहले मैं। एंड ये लिया मैंने ट्रैकर एंड यस डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया। एंड अब बस मुझे थोड़ा सा लड़ना है इससे एंड इसको भगाना है वापस। लेट्स गो नहीं मार पाएगा बेटा क्योंकि मेरे पास है लाइफ लीचिंग एबिलिटी। अबे भाग गया भाई, ये भाग क्यों रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन चलो अभी अच्छा है कि हम लोग ने उसके अंदर ट्रैकर लगा दिया है एंड अभी हम लोग उसको पूरी तरह ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैकर मैंने उसके अंदर डाल दिया है। क्या बात कर रहा है? तो फिर अभी चलते हैं सैमुअल के पास। चल चल चल। हाँ क्या हुआ, तुमने डाल दिया ट्रैकर? हाँ डाल दिया। शाबाश अब हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। यस और उसके बेसमेंट में जाएंगे। ये हुई ना बात भाई, मजा आएगा। ये अब बताओ कहाँ पे जाना है? ये लो ये है ट्रैकिंग मैप। लेट्स सी क्या दिख रहा है इसमें। अच्छा वहां पर है, लेकिन वेट कितना ब्लॉक्स दूर? 10,000 ब्लॉक्स। बाप रे ये तो बहुत ज्यादा दूर है। हाँ हम लोग जाएंगे कैसे? मेरे टेलीपोर्टेशन पावर से। ओ यस ये भी ना बात। तुम लोग मेरे पीछे आओ। ओके आ जाओ यहाँ पे आओ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन पैड। यस चलो फिर चलते हैं। ये मैप जरा मुझे दो। ओके ये लो। 3, 2, 1 वो ये कहाँ पर आ गए? ये कौन सी जगह है सैमुअल भाई? आई गेस हम लोग नल के बीच पे आ चुके। वो देख आगे सीढ़ियाँ दिख रही है। वो चला जाओ चलते हैं भाई, खतरनाक जगह लग रही है। चलो चलो एकदम है ना, धीरे धीरे चलते हैं और एकदम संभाल के भी बिना कोई आवाज करे, क्योंकि यहाँ पर नल हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे ये है, इसलिए तो ट्रैकर ने हम लोग को यहाँ पे लिखा है। सैमुअल एक बार चला देखो ना ट्रैकर पे, यहाँ पे है कि नहीं। हाँ हम लोग को थोड़ा आगे जाना है। ओके चलो। ये क्या भाई यहाँ पे बर्फ क्यों है? चलते रहो बस। और सैमुअल बताना हमें कब रुकना है। ये क्या बड़ा कैसल है। हाँ देख यहीं पे रुक जाओ। ओके ओके क्या हुआ भाई क्या हुआ? ठीक है वेट यहाँ पर एक मैप है। ओ और ये किस पर पॉइंट कर रहा है? यहाँ पर एक और कुछ तो लोकेशन बता रहा है सैमुअल। ये पकड़ो। ये तो शायद नल ने मार्क किया हो, मतलब नल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, इसको एकदम संभाल के रखना। ठीक है तो चलो अब देखते हैं। एंड ये क्या है अंदर? शिट भाई अंदर डायमंड्स है क्या? एकदम संभाल के साइड से आएगा। इस मैंने नल को देखा। What? अंदर मत जाना। okay, okay, मैं तेरे पीछे आ गया। ओके लेट्स सी। क्या हुआ? नल है। ओ भाई बैठा है वहाँ पे। इसका ही अड्डा है। ओ शिट बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इतना बर्फ क्यों है एंड ये लैंटर्न भी एकदम सोल वाली है। आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे एंड बस नल हमें ना देख ले एंड अभी रात का भी मौसम, इसका मतलब नल हमें ढूंढने जरूर निकलेगा। सैमुअल क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? क्या आपने कुछ देखा है यहाँ पे? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से मुझे नल की कमजोरी पता चल चुकी। नल की कमजोरी? ये क्या हो सकती है? हमको तो शायद पता है ना उसकी शैडो। शैडो तो बस उसकी वीकनेस है। देखो मेरे को सच तो पता नहीं, लेकिन तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सब जगह बर्फ है। वो तो दिख रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी कमजोरी फायर हो। फायर? हाँ हो सकता है। हाँ, ये देखो यहाँ पर सब जगह बर्फ है एंड जैसे ही मैं उससे इससे मारता हूँ ना तो फिर मुझे भी एकदम कुछ तो बर्फीली चीज मेरे स्क्रीन में हो जाती है, पता नहीं क्या समझाओ। तो फिर आई गेस ये हो सकता है कि इसे बर्फ पसंद हो या फिर इसे ठंडी चीज पसंद है एंड फायर उसकी कमजोरी। अरे वो गायब हो गया। शिट भागो। अरे यार ये क्या नई मुसीबत है यार, वो कहीं पे भी आजकल गायब हो रहा है क्योंकि ये रात का समय है, भूल गया ये बंदा रात के समय पर आता है। तो फिर इसकी कमजोरी फायर है ना,
तो फिर हम लोग फायर के पास ही जाते गई तो शायद वो वहाँ पे ना आए। तो फायर कहाँ पे मिलेगा? फ्लिंट एंड स्टील। हाँ, किसके पास है? क्या है क्या आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास है। यस यस, लाओ लाओ लाओ। थैंक यू। एंड अभी आई गेस हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये इसकी कमजोरी है कि नहीं। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं उसके पास। आ जाओ। रुक जा यार, अकेले मत भाग, मरेगा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं इतने आसानी से नहीं मर सकता क्योंकि मेरे पास ये सॉर्ड है। नल किधर है? कहाँ पर है? नल आ गया। आगे 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 आगे, आने दे बच्चे को। और वेट, मेरा आर्मर कहाँ पे? ओह शिट, आई गेस इसके कैसल में कुछ तो प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये देख, मेरा पूरा का पूरा आर्मर गायब हो गया। शिट यार। अरे अब क्या करे? अब तो थोड़ा लड़ना हार्ड है। ठीक है, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा एंड मुझे एक भी हिट नहीं लेना है। प्लीज यार मत जा। टेंशन मतलब मैं जीत के आऊंगा। मार उसको। चलो लेट्स गो। ओके रुको रुको रुको, उसको आने दो आने दो। जा रहा हूँ मैं, छुपने जा रहा हूँ, मेरे पास हथियार नहीं है। ओके ओके, आ जा आ जा आ जा। ये ले। ये क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है इसे। भाई भाग रही है ये। डर गया ये तो। एंड सैमुअल क्या कर रहा है आपे? और भाई कहाँ गया ये? अरे यार देखा तुम लोग ने कैसे वो भाग गया आग को देख के। लगता है मैं सही था। ये सैमुअल बाबा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो फिर हम लोग को है ना अभी इसको मारने का तरीका मिल चुका है एंड आई गेस इसी से ये मरेगा क्योंकि बहुत गंदी तरह चिल्ला रहा था यहाँ पे। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा आग में लथपथ हो जाए एंड उसको हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ ये हो सकता है, अभी हम उसको पूरी तरह मार सकेंगे। तुम बस यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मैं फ्लेम थ्रोअर बना के आता हूँ। फ्लेम थ्रोअर क्या होता है? अबे शायद वो देख, एक गन होती है ना जिसके अंदर से आग निकलती है। ओ भाई तड़पा के मारना है मतलब। ओके चलो ठीक है, बट बनाओगे कैसे? वो आप चिंता मत करो, तुम बस मुझे फ्लिंट एंड स्टील दे। ओके ये लो। ओके यार हम लोग जीत सकते हैं अभी, लेकिन अब बस एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास आर्मर नहीं है यार। हाँ यार, इसलिए अब मैं पावरलेस हो चुका हूँ। अब मेरे को भी तेज तरह छुपना पड़ेगा। मैं आ गया। ओके ये क्या है हाथ में? यही तो है वो फ्लेम थ्रोअर। ओके दीजिए। ये लो। वो यार कड़क चीज लेके आया यार, थोड़ा टेस्ट कर देगा इसको। लेकिन संभाल के खत्म मत कर देना। चलना, यूज करना जल्दी। हाँ रुकना, इसका मतलब इसके अंदर कम फ्यूल है। मजा तो चलो एक बार ट्राई करते। अबे दूर है क्या? मैं बंद ही नहीं हो रहा था, वो बच गया। अच्छा यहाँ पे आई से कड़क चीज है। तो फिर अब बस उसका वेट करते आने का एंड देन इसको जला के राख कर देंगे पूरा। यस रुला देंगे यार। कहाँ पे होगा वो? मिला मिला मिला। शिट ठीक है, सब लोग यहाँ पे रहो। सेविन बाबा पीछे आ जा, अभी मैं उसको जला के राख करता। ओह शिट शिट शिट, आ रही है। ओके लेट्स डू इट। यस भाई ये तो जल रहा है। कहाँ पे? मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। तो ये देख, लड़क रहा है। तो मैं बंद करता हूँ। ओह शिट, फिर तो ये क्या मरने वाला है? हाँ मेरे को भी लग रहा है। क्या हम इसको मार पाएंगे अभी? शायद। मर गया। What? Shit! Oh no! भाई जला के क्या हो गया? पता नहीं, जल के पूरा राख हो गया क्या? Yes! भाई इतना इजी था मारना इसे। भाई यार सैमुअल क्या आइडिया दिया तूने? वही ना, इसको मतलब फिगर आउट हम लोग ने पहले क्यों नहीं किया? Yes, let's go. तो चलो अभी नल का खेल तो खत्म हो चुका है। मतलब नल मर गया? Yes. एंड अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। शाबाश, तुमने कर दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। शुक्रिया। तो चलो अभी बाहर चलते हैं। एंड हाँ, वो हम लोग को वो मैप मिला था ना, वो क्या चीज है? हाँ ये वाला मैप, चलो मैं देखता हूँ। चलो हम इसके लोकेशन में जाते, क्या पता कुछ और मिल जाए। ओके चलो चलो चलो, लेट्स गो, मजा आएगा। मेरे पीछे पीछे आओ, वो पोर्टल पे। ओके चलो इसके अंदर और हम पहुंच जाएंगे। ओके वो आ गए। आ गए भाई, ये क्या है? वो क्या जगह है? चलो भी आगे चल के देखते हैं। भाई किसका कैसल है ये इतना बड़ा? ये वेट अ सेकंड, ये सैमुअल आपका फोटो है ऊपर और वो भी क्रॉस बना हुआ है। अरे हाँ, ये क्या है? वेट, किसका कैसल है ये? ये सैमुअल भाई। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई तो सैमुअल को खत्म करना चाहता है। क्या आप ये कैसल को जानते हो? प्लीज हमें सच सच बताना। मैं नहीं जानता। ओके चलो थोड़ा सा आगे चल के देखते है। वेट अ सेकंड, कहनी किधर? वो देख, दिख रहा है। क्या कर रहे हो? एंड आगे सैमुअल की इमेज लगी हुई है। What? Oh shit! सैमुअल इधर आओ। कैनी आपके पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं, शायद ये मुझसे बदला लेना चाहता है। कौन सा बदला? उसने तो आपको हरा दिया था उल्टा। सच सच बताओ, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? वीडियो क्या कर रहा है कैनी? भाई मार रहे? मुझे लगता है कि सैमुअल को पता है ये किसका कैसल है। ये कैसल मुझे कैनी का लग रहा है। सैमुअल मुझे लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमको सब बताता हूँ।
तो बात ये है कि कैनी मेरा बेटा है। What? ये क्या बोल रहा है? हाँ, और अब वो मुझे मेरे मारने के पीछे पड़ चुका है। बट क्यों? आपका बेटा ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ यार प्लीज बताओ। तो बात ये है कि कैनी मेरा बेटा हुआ करता था। मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन एक दिन शेंग हमारे इलाके में आया। कौन शेंग? हाँ शेंग, और उसने उसको इविल बना दिया, एंड तब से मैंने अपने बेटे को खो दिया।